आज मैं आप लोगों को के बारे में बताऊंगा। मैं इस माइक के माध्यम से अपने टीवी में अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे आपका ये लगा देना है डिवाइस, एक USB है और एक आपका पावर केबल है, जैसे कि हम लोग का मोबाइल में रहता है। देख लीजिए, EMI पोर्ट है। चलिए हम इसको पैक कर लेते हैं। तो ये होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का प्लेसमेंट हो रहा है। टीवी चालू कीजिएगा, इसमें बैंड सारा आता है। देखिए मेरा इतना फीचर्स है। EMI 2 पे हम सेलेक्ट किए हैं। ये पोजीशन आने के बाद करना क्या है हम लोगों को, तो चलिए चलते हैं अब हम अपने लैपटॉप की तरफ। मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, इसमें कोई केबल लगा हुआ नहीं। लैपटॉप में देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लिखोगे ब्रॉडकास्टिंग। देख लीजिए आप बढ़िया से। अब हम जो लिखे हैं इंटर मार देते हैं। इंटर मारने के बाद आप यहाँ पे जो शो हो रहा है उसमें अब हम जाएंगे कनेक्ट वायरलेस। यहाँ पे आ जाइए नीचे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वायरलेस डिस्प्ले। इसको पे यहाँ पे सर्च हो रहा है। ब्रॉडकास्टिंग है। यहाँ पे एक बटन है, ये यहाँ पे छोटी सी एक बटन है, इसको कुछ सेकंड पुश करके छोड़ देना है। आज तरह छोड़ देने के बाद यहाँ पे इस तरह का फ्लैचुएट आएगा। यहाँ पे फ्लैचुएट आने के बाद अब हम फिर अपने टीवी मतलब सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये डिटेक्ट हो गया है। आप हम क्या करेंगे, इसे जो डिटेक्ट हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे देखिए मैं अब ये कनेक्ट होने जा रहा है। तो कुछ सेकेंड में कनेक्ट हो जाए। तो ये हमारा टीवी से लैपटॉप कनेक्ट हो गया। अब हम बिना केबल माध्यम से कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम जो भी लैपटॉप में चलाएंगे वहाँ पे दिखेगा स्विच ऑन के साथ। लैपटॉप में हमारा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, कोई भी लाना चलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे चल रहा है क्वालिटी नहीं है।
डिवाइस है उसको उसके माध्यम से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने सिर्फ पीसी को इसमें कनेक्ट किया और बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये। चलिए ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसमें और अच्छी तरह से वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।